हाँ जी दोस्तों, अज आप थोड़े नाल मुड़ तो रूबरू हो रहे हैं। अज एक आप लड़ी तोरी है गल समझण ते समझाउण दी। एपीसोड पहला है अज। आप इस लड़ी तहत पंजाब दे मसलियां दे उत्ते गलबात करिया करांगे, देश दे मसलियां दे उत्ते गलबात करिया करांगे, समझिया करांगे सारी पर्दे दे पिछे दी की सियासत है ते सामने की सियासत है। सो दोस्तों, क्योंकि मौजूदा सरकार कांग्रेस दी है तो गल भी आपां कांग्रेस पार्टी तो ही अज शुरू करांगे। कांग्रेस पार्टी दा जिहड़ा माहौल है, कांग्रेस पार्टी कांग्रेस सरकार दे विच कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा पिछले 7-8 महीनों तो। नवजोत सिंह सिद्धू के प्रधान बनने नाल कांग्रेस की हाईकमांड नूं इह गल दा विश्वास सीगा कि प्रधान बनने नाल सारा कुछ ठीक हो जाएगा, पर होर ज़्यादा उलझदा जा रहा है। क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू नूं प्रधान बनाने विच सब तो पहला जे किसी ने पहल की सी कैप्टन के विरुद्ध मंत्री मंडल की मीटिंग दे विच बोलिया सी जिहड़ा शख्स सुखजिंदर सिंह रंधावा, वह अज भी बागी सुरां दे विच ने। उन्हां दे नाल मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा, सुख सरकारिया, चरणजीत चन्नी ते होर कई MLA ने जिहड़े बागी सुर दे विच ने। इन्हां नूं हुण लगता है कि असी जितना तां है नहीं, सारा ठीकरा कैप्टन मनिंदर सिंह दे सिर भन्न दी है। पर दोस्तों, गल है जिहड़ी वो इस तरह है, पहला 4.5 साल इन्हां ने मंत्री पद का जिहड़ा वो नज़ारा भी लिया, सहूलतां भी माणियां। हुण 4.5 साल बीत जाण तो बाद जदों 2 महीने नूं चोण जाबता लग जाणा, अज इन्हां नूं पंजाब दे मुद्दियां दी गल याद आ गई। ये तो सिर्फ कुर्सी दियां चालां ने जी कि कुर्सी सानू हुण मिलदी दिख नहीं रही इन्हां नूं, तो इन्हां ने बगावत छेड़ती। चरणजीत चन्नी दे तां हल्के दे विच इन्ना बुरा हाल है, उहदे भरा भी MC दी इलैक्शन च खड़े सीगे ते उह अपनी सीट ही नहीं कढ सके। सो दोस्तो, ये जिहड़ियां गल्लां ने, ये जिहड़ियां बातां ने, ये आपां नूं समझणियां चाहीदियां कि एक मंत्री होवे ते मंत्री दा अपना भरा होवे ते एक छोटी जी MC दी इलैक्शन ना कढ सके, ये बहुत शर्म वाली गल सी मंत्री लई। जी उन्होंने अपने हलके का विकास किया होंदा, उन्होंने तो विकास होए ने बहुत, मंत्रियों के सब दे विकास होए ने, पर पंजाब का विकास कोई नहीं होया, आम बंदे का विकास कोई नहीं होया। जदों ये बागी, इन्हों बागी कहते ने सारे लोग कि बागी मंत्री, मैं बागी तो नहीं कहता क्योंकि पुराने कांग्रेसी ने, पर जिहड़े रुसे हुए मंत्री ने, नाराज मंत्री ने कैप्टन मनिंदर सिंह तो, वो जाके शुक्रवार वीरवार शाम नू जाके हरीश रावत नू मिलते ने, वीर या शुक्रवार हो सकता, मैं एक अद्धा दिन अगे पिछे, हरीश रावत नू मिलते ने। वो मिलन तो पहला ही प्रेस नू संबोधन करते हरीश रावत कहंदे ने कि 2022 दियां जिहड़ियां चोणां ने वो कैप्टन मनिंदर सिंह दी गवाही च ही लड़ियां जाणगियां। अद्धा कुता इन्हां दा उत्थे ठुस हो गया कम कि जदों हरीश रावत ने एडा वड्डा बयान दे दिता, पर इन्हां ने अपनी गल रखी। उदों बाद इन्हां ने राहुल गांधी, जदों पता लग्या हरीश रावत कोल तां इन्हां दी दाल नहीं गली जां उत्तों कोई हुंगारा नहीं आया, तो उस तो बाद ये जिहड़े मंत्री सी नाल, जित्थों तक सूत्र दसदे ने कि प्रगट सिंह भी सीगे कि वह दिल्ली वह भी गए ने राहुल गांधी कोल, पर जदों साडे किसी बंदे ने उन्हां नाल गल की तो वह कहिंदे मैं इत्थे ही हाँ, पंजाब च ही हाँ, उहदा मैं मतलब कि ठोक के गल नहीं कह सकता कि प्रगट सिंह भी नाल सी जां नहीं सी, पर ये चार मंत्री जरूर गए सी उत्थे। जदों ये चार मंत्री जाके राहुल गांधी के दफ्तर के विचों, एक IAS अधिकारी है सबका, उहदा दफ्तर का सारा कामकार वह देखते ने राहुल गांधी का, जदों उन्हां तो जाके इन्हां ने टाइम मंगया तो उन्होंने इन्हां नूं मीटिंग रूम के बिठा के तो उत्थे आके दो टुक जवाब दिता कि आप पंजाब में
जो उन्हां दी वार्डिंग सीगी कि आप पंजाब में न्यूज़ बनाकर बाद में दिल्ली चले आते हो, जो स्टेट का मसला है वो स्टेट में सॉल्व कीजिए। तो राहुल गांधी इन्हां नूं मिले नहीं, इन्हां नूं बड़ी नमोशी झलनी पई। अगले दिन मंत्रीमंडल की मीटिंग सीगी, उहदे विच भी मंत्री शामिल नहीं होए। तीन इन्हां चों चरणजीत चन्नी एक पंज तारा होटल दे विच्चों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दे जरिए शामिल होए। इन्हों का किसी का भी ध्यान पंजाब के मुद्दों के उत्ते नहीं, इन्हों का ध्यान आने वाली कुर्सी लई है कि आने वाली 2022 की इलैक्शन दे विच किवें जित्या जाए, किवें कुर्सियां लईयां जाण। नवजोत सिंह सिद्धू नूं भी नमोशी हो गई उदों कि जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह का जिक्र करता उन्होंने, हरीश रावत ने, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शाम नूं ही अपना डिनर डिप्लोमेसी जिहड़ी है डिनर ते सारे विधायक सद लिए, उत्थे 60 तो उपर विधायक पहुँचे मंत्री विच ही। तो सारिया जिहड़ियां गल्लां ने संकेत देंदियां ने कि पंजाब की जिहड़ी राजनीति है वह बिल्कुल हेठले पद्धर दे उत्ते गिर चुकी है, बहुत थल्ले जा चुकी है। कितें राजनीति जिहड़ी है, जिहड़े मंत्री है, जिहड़े MLA हुंदे ने, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ MLA ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਪਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। तो ये वर्तारा कदों तक चलेगा, कदों साडे लोग सवाल, हुण किसानी अंदोलन ने लोगों नूं सवाल पुछण तां लाता, पर आ जिहड़ा गलत तरीके नाल है ना, किसी नूं कपड़े पाड़ देने, किसी नूं कुटना, ये गलत तरीका है। मैं इहदी निजी तौर पर हमायत नहीं करता। सवाल करो, एक प्रोटोकॉल के तहत करो, बिठाओ उत्थे मंत्री जिहड़ा भी MLA आंदा है उहनूं सवाल करो, पर किसी नूं किसी का नुकसान करना या किसी के बच्चे घर वालियां नूं रोकना, ये चीज़ां मतलब कि एक सुहिरदपुणे का सबूत नहीं दिंदियां। एक कांग्रेस सरकार जदों दी कांग्रेस सरकार आई, वो मैं कल परसों एक गिदड़बाहे दे बंदे नाल गल कर रहा सीगा, मैं उन्हां नूं पुछया कि गिदड़बाहे दे विच की हाल चाल है, क्योंकि थोड़ा जिहड़ा नौजवान MLA है तो 40-42 साल का है, चलो नौजवान होंगे ने MLA, नौजवान होंगे ने सारे। मैं उन्होंने गिदड़बाहे के 5-6 बंदियां नाल मैं गलबात की, एक तो बजुर्गों नाल भी गलबात की मैं उत्थे, ते एक दुकान वाले नाल भी गलबात की, 2-3 नौजवान नाल भी गलबात की। वो जिहड़ा बाला जिहड़ा मतलब कि सारियां चो निकल के एक गल उभर के आई कि लोक टैल तो बिना गिदड़बाहे दे विच कुछ नहीं होया, जिहड़ी ज़्यादातर सी गल। कहिंदे लोक टैलां भी कुछ क जिहड़े मतलब कि खास बंदे सीगे उत्थे उहनां दे इलाकियां लुकियां च लाती, ते विचों एक बंदे ने यह भी गल कही, ये गल हुण सच है झूठ है ये तां पता नहीं, पर उत्थों दे एक बंदे ने यह भी गल कही कि यह जिहड़ी ग्रांट है अकाली दल दे वेले दी 30-40 लख दी पास होई हुई सी, उस ग्रांट के तहत ये जड़े ने लोक टैलां लगियां ने। उत्थे एक नौजवान नाल जदों गल हुई, मैं कहा रुजगार का की बनिया, घर घर नौकरी मिलनी सी, की बनिया थोड़ा। उन्हें गल मजाक दे विच, मजाक दे लहजे दे विच करदे हुए ने गल कही, कहिंदा भाजी मैं तो बड़ी मुश्किल छुट के आया जी, कहिंदा मैनूं तां फड़ फड़ के अफसर ला रहे सीगे, मैं तो बड़ी मुश्किल कहिंदा उत्थों छुट के आया कि मैं नहीं भाई थोड़ी नौकरी करनी, कहिंदा धक्के नाल मैनूं तां अफसर लाता सी इन्हां ने। सुविधा सेंटर दे नेड़े तेड़े जिहड़े बंदे सीगे उत्थे गल्लबात कीती, वो कहिंदे यार गेड़ियां तो बिना कोई सही गाइड नहीं करता। गेड़े लवाए जांदे ने निक्के निक्के कम्मां लई भी गेड़े लवाए जांदे ने, दिहाड़ीदार बंदा दिहाड़ी तोड़ के 300-400 दी वो सुविधा सेंटर च अपने काम कराउण जांदा है, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ ਆਹ ਤਰੁੱਟੀ ਉਹ ਤਰੁੱਟੀ ਕੱਢ ਕੇ
ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਈ ਭਾਈ। ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਸ਼ਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸਟਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਲਟ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਇਹ ਦੋ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦਿਉ। 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮੁਲਕ, ਇਹ ਦੋ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। MLA ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 3 ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਿਪਸੀ ਦੀਆਂ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ SHO ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਟਹਿਲਾਂ ਹੀ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲਾਈਆਂ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਪਿੱਛੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ, ਕੋਈ ਮਜੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਠੋਕ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਐਂ ਕਰ ਦੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਦੂੰ। ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਆ ਗਈ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜੀਠੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਜੇ ਉਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉੱਡਣ ਖਟੋਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਜਾਣ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਤ ਦੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਤਾ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਮਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਸੈਂਟ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਸੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਲਾਹ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਕੰਸੈਂਟ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਗਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕਾ ਰਿਹਾ। SHO ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਅਰਜਨ ਬਾਦਲ ਦਾ। ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 12 ਜੀਅ ਨੇ ਤਾਂ 12 ਜੀਅ ਹੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਭਲੇ ਲੋਕੋ ਹੁਣ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਕੁਛ, ਹਲੇ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਨੇ।
पर मैनू नहीं लगता कि कांग्रेस सरकार कुछ करेगी। उधर भगवंत मान रुसिया पै, भगवंत मान कहता मैनू मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाओ, तो केजरीवाल कहता एड्डी बड़ी स्टेट का जे मुख्यमंत्री जित गया तो मैं तो थले हो जूँ, कलू यह पार्टी का कन्वीनर बनेगा। तो यह गल्लां करके अरविंद केजरीवाल नहीं चाहता कि जिहड़ा बंदा समझदार है, जिहड़ा बंदा सियाणा है, उन्हूं अगे लाया जाए, जिहड़ा उहदे मुड़ के उन्हां नूं मतलब कि उन्हां दे पिट्ठू बन के ना चल सके। वो एक संगल पा के रखना चाहते ने, जिहड़ा भी बंदा पंजाब 'च होवे उहदे अरविंद केजरीवाल ने संगल पाया होवे, जदों चाहवे उदों खुल जाए। पर इस तरह पंजाब दे विच इस तरह दी ना लोगों ने अज तक राजनीति होने दिती है कि बाहरों कोई बंदा आके इत्थे मुख्यमंत्री बन जाए, ये नहीं हो सकता। पहला भी आम आदमी पार्टी की 2017 दे विच भी काफ़ी हवा सी, 100 सीटा की गल करते सी, पर 20 आईया, उन्हां चों भी अद्धे भज भुज गए। तो गल सारी ये है कि उदों अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री उन्हें ऐलान तो नहीं किया, उहदे मन च यह सीगा कि जे बहुमत आ गई तो मुख्यमंत्री मैं बन जाऊंगा पंजाब का जाके। पर पंजाब के लोगों नूं जदों यह गल पता लगी तो उन्होंने पासे वटने शुरू करते। तो हुण भी भगवंत मान है जिहड़ा उहनूं मुख्यमंत्री दा उहदा बनदा है यार, क्योंकि वह जिते हारे पार्टी नूं लोग पसंद करते नहीं करते मैं उहदे च नहीं जानता, ना मैं आम आदमी पार्टी का सपोर्टर हाँ, ना मैं उन्हां दी मैनू किसी पार्टी की मैं हमायत च हाँ। मैं तो गल इन्नी कु करदा कि उस बंदे ने मेहनत की है पार्टी लई, तो उन्हूं मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहिए। छोटेपुर ने मेहनत की सी जां भगवंत मान ने पंजाब च पार्टी खड़ी करन लई मेहनत की है, तो जिन्होंने मेहनत की है वलंटीयर ने उन्होंने टिकटा दौ, तुम लिया लिया फड़ फड़ सेखवा वर्गे जोड़े चले हुए कारतूस ने, चार बार तो मंत्री रह गया अकाली दल वालों, सारे सुख सहूलत भोगियां, चंगा इन्होंने पैसा कमाया, हूँ अकाली दल माड़ा हो गया। पार्टी कोई चंगी माड़ी नहीं होंगी, पार्टी नाल जुड़े लोग जोड़े ने वो चंगे माड़े हो सकते हैं। तो इन्नियां कोई गल्लां ने ना कि लोगों नूं थोड़ा जिहा सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि साड़ी भी कोई जिम्मेवारी है, साड़ा भी कोई फर्ज है। वोट नूं सिर्फ एक ऐ ना कहो कि चलो ठीक है असीं वोट पा आए, ये सब तो वध सोचने वाली गल है कि साड़ी वोट असीं किहनूं पानी है। खेतरी पार्टी हो सकती है जिहड़ी पंजाब दी हमायत च आ सकती है, वो चाहे बने चाहे बनिया हुई पार्टियां वो गल वक्री है। पर जो आप एक नैशनल पार्टी के चले जाएंगे ना जी, नैशनल पार्टी ने नाल वाले सूबे के भी हित देखने ने, जे उन्हें कोई गल अपनी विरुद्ध कहती, पंजाब की पक्ष च कहती, हरियाणे के विरुद्ध होगी तो उन्होंने मुसीबत आ जाएगी उत्थे। इसलिए उन्होंने अपनी जी गल है वो एक नैशनल लैवल से सोच के करनी होंगी, तो कदे भी पंजाब के हितों की गल नहीं करनगे। खेतरी पार्टी पंजाब दे हितों की गल कर सकती है, पंजाब दे लई भला कर सकती है, वो चाहे बने नवी कोई पार्टी चौथा फ्रंट पंजवा छेवा सत्तवा जिहड़ा मर्जी बने, वो पंजाब दे लोगों नूं देखना चाहिए। पर पंजाब दे लोगों नूं अपनी वोट का जिहड़ा अधिकार है ना उहदा बिल्कुल सही इस्तेमाल करना चाहिए। जे 3 महीने बाद MLA जिहड़े वादे किए ने उन्हां दे उत्ते कम नहीं करना शुरू करता उदों तो आवाज़ उठाओ। ये रुसे हुए मंत्रियों वांगू 4-4.5 साल सत्ता का सुख भोग के बाद च आवाज़ उठाई तो उहदा कोई मायने नहीं रह जाते, उहदा कोई मतलब नहीं रह जाता। सो दोस्तों कल नूं इस समझ समझाउण दी गल दे एपीसोड 2 दे तहत फिर थोड़े नाल मैं ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ।
Thank you.